वैज्ञानिकों का कहना है कि आज से लगभग 6,50,00,000 साल पहले हमारी पृथ्वी पर ऐसे दैत्य आकार जीव निवास करते थे जिन्हें शायद आज अगर हम देख लें तो डर के मारे हमारा बुरा हाल हो जाए। इन विशालकाय जीवों का नाम वैज्ञानिकों ने डायनासोर रखा। उस समय में हमारी पृथ्वी पर डायनासोर की कई सारी प्रजातियां रहती थीं। इन डायनासोर में कुछ का आकार इतना ज्यादा बड़ा होता था कि इनका वजन कई हजार किलो तक हो सकता था, और कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जो कि उड़ सकते थे, और इनमें से कुछ बहुत ही खतरनाक शिकारी भी थे। इसके अलावा कुछ शाकाहारी भी थे जो सिर्फ फल फूल और पत्तियां खाते थे। दोस्तों, इनके विशाल काय आकार के आधार पर ही कहा जा सकता है कि पूरी पृथ्वी पर इससे ज्यादा ताकतवर जीव मौजूद नहीं था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो इन विशाल काय जीवों का नामो निशान ही हमारी पृथ्वी से खत्म हो गया? यह समय था आज से 6,50,00,000 साल पहले का। इस समय हमारी पृथ्वी का वातावरण बिल्कुल सामान्य हो चुका था। हमारी पृथ्वी पर जीवन जीने लायक परिस्थितियां बन चुकी थीं। हर तरफ पेड़ पौधे और सुहावना मौसम था। पीने के लिए भरपूर मात्रा में शुद्ध पानी था और सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन था, और उस समय ये जीव बहुत ही ऐशो आराम के साथ हमारी इस पृथ्वी पर राज कर रहे थे। ये विशाल काय जीव जिन्हें हम डायनासोर के नाम से जानते हैं, डायनासोर उस समय के काफी ज्यादा विशाल आकार वाले जीव थे और पूरी पृथ्वी पर इनका राज चल रहा था। दोस्तों, इन डायनासोर के साथ हमारी पृथ्वी पर एक और जीव मौजूद था। यह जीव बिल्कुल हमारे आज के चूहों की तरह लगता था। असल में यह जीव चूहे नहीं बल्कि हमारे पूर्वज थे। ये स्तनधारी जीव थे, यानी कि मैमल्स। इन चूहों के आकार के दिखने वाले जीवों के विकास के बाद ही हम इंसान बने हैं। उस वक्त ये जीव डायनासोर के डर की वजह से हमेशा बिल के अंदर ही छुप कर रहते थे, और यही चीज इन जीवों को महाप्रलय से सुरक्षित रखने वाली थी। डायनासोर अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अंडे दिया करते थे, लेकिन ये मैमल्स अंडे नहीं देते थे। और इन मैमल्स का ये गुण हम इंसानों में भी आया, क्योंकि हम इंसान भी मैमल्स ही हैं। जब हमारी पृथ्वी पर ये सभी जीव बहुत ही आराम से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तभी इन जीवों के सर पर मौत बनकर तकरीबन 10 किलोमीटर के डायामीटर वाला एक एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा था। जैसे ही एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स में एंटर हुआ, वैसे ही इसकी स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गई। बहुत ही तेजी के साथ ये हमारी पृथ्वी के करीब आता जा रहा था। इसकी रफ्तार लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और इसी रफ्तार के साथ ये हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में आता है। जैसे ही हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में आया, घर्षण की वजह से इस एस्ट्रॉइड में बहुत भयानक आग लग जाती है, और इस एस्ट्रॉइड ने एक आग के गोले का रूप ले लिया। इस आग के गोले से निकलने वाली रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि इसके 80 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीवों की आंखों की रोशनी चली गई थी। इन जीवों को यह एस्ट्रॉइड आता हुआ दिख तो नहीं रहा था, लेकिन उन्हें महसूस जरूर हो रहा था। जैसे ही यह एस्ट्रॉइड फुल स्पीड के साथ हमारी जमीन से टकराया, तभी एक बहुत भयानक विस्फोट होता है। यह एस्ट्रॉइड इतना ज्यादा खतरनाक था कि जैसे ही हमारी पृथ्वी से टकराया, हमारी पृथ्वी की सतह से लाखों टन धातु निकली और ये अंतरिक्ष में चली गई, और इस विस्फोट की वजह से निकलने वाली धूल ने आसमान में एक बहुत बड़े बादल का निर्माण किया। इस विस्फोट की वजह से समुद्रों में भी सुनामी आ गई। हमारी पृथ्वी का महाविनाश अब शुरू हो चुका था। इस विस्फोट की वजह से इतना ज्यादा रेडिएशन हुआ कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव फौरन ही खत्म हो गए। इस महाविनाश में सिर्फ वही जीव बचे थे जो उड़ सकते थे, लेकिन ये तो अभी सिर्फ शुरुआत ही थी। इस विस्फोट की वजह से जो लाखों टन धातु और धूल अंतरिक्ष में गया था, वो थोड़ी देर बाद आग की तरह हमारी पृथ्वी पर बरसना शुरू हो गया, और हमारी पृथ्वी पर जो धूल के बादल छाए थे उसकी वजह से सूरज की रोशनी पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पा रही थी, और इस वजह से हमारी पृथ्वी पर मौजूद सभी पेड़ पौधे खत्म हो गए। इस विस्फोट के बाद हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस महाप्रलय की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी डायनासोर का खात्मा हो गया था। दोस्तों, इस महाप्रलय की वजह से डायनासोर का अंत जरूर हो गया था, लेकिन यह महाप्रलय हम इंसानों के लिए वरदान सिद्ध होने वाली थी। इस महाप्रलय में सिर्फ वही बचे थे जो जमीन के अंदर रह सकते थे, यानी कि मैमल्स। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्होंने जमीन के अंदर ही अपना घर बना लिया और सभी कुछ खाना शुरू कर दिया। इस महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद
हमारी इस पृथ्वी से डायनासोर का खात्मा पूरी तरह से हो गया और हमारी पृथ्वी पर एक बार फिर से नई जीवन की शुरुआत होने वाली थी। और इस समय हमारे प्राचीन पूर्वज धीरे धीरे करके विकसित होते जा रहे थे। धीरे धीरे करके उनका आकार काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। ये जीव धीरे धीरे करके कई अन्य प्रजातियों में विकसित होने वाले थे। ये समय था आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले का, जब हमारी पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे करके सामान्य होना शुरू हो गया। इस वक्त हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर भी 24 डिग्री सेल्सियस था और दिन भी अब 24 घंटे का होने लगा था। इसके बाद हमारी पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी के दो बड़े महाद्वीप एक दूसरे के पास जा रहे थे और इन दोनों महाद्वीपों के आपस में टकराने की वजह से एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। धीरे धीरे करके परिस्थितियों में बदलाव आने लगा और आज से लगभग 40 लाख साल पहले, जब अफ्रीका के एक पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत की वजह से यहां मानसूनी हवाएं नहीं पहुंच पा रही थीं और धीरे धीरे करके यहां के जंगल सूखना शुरू हो गए थे। इस जंगल में ही पेड़ों के ऊपर रह रहे थे एप्स। पेड़ों के ऊपर रहकर ही ये अपना भोजन प्राप्त कर लेते थे, लेकिन जैसे जैसे यहां सूखा पड़ना शुरू हुआ, इन एप्स के लिए खाने की कमी होने लगी और इन्हें पेड़ों से उतरकर जमीन पर आना पड़ गया। और धीरे धीरे करके ये विकसित हुए आर्डिपेथिकस रेमिडस में। इनका दिमाग भी विकसित होकर संतरे के बराबर हो चुका था और इनकी लंबाई लगभग 4 फीट होती थी। कई हजार साल के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वजों ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। धीरे धीरे करके इनका मस्तिष्क भी बहुत तेजी से विकसित हो रहा था। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, वैसे वैसे इन जीवों का विकास हो रहा था। धीरे धीरे करके इनका दिमाग बड़ा होता जा रहा था। काफी लंबे विकास क्रम के बाद इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीखे। हथियार बनाने के बाद इन लोगों के लिए शिकार करना काफी ज्यादा आसान हो चुका था। हथियार बनाने के बाद इन्होंने आग की खोज भी कर ली। ये खोज हमारे पूर्वजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। आग की खोज के बाद इनका जीवन काफी ज्यादा आसान हो चुका था। ये आग इन्हें सर्दी अंधेरे से बचने और भोजन को भूनने में सहायता करती थी। धीरे धीरे करके हमारे पूर्वजों ने समूह बनाकर रहना शुरू कर दिया, ताकि वो सुरक्षित रह सकें। आग में भूनकर भोजन खाने की वजह से उनकी ऊर्जा भी कम खर्च होने लगी थी और उनकी ये ऊर्जा दिमाग को चलाने में इस्तेमाल होने लगी थी। अब हमारे पूर्वजों का मस्तिष्क काफी हद तक विकसित हो चुका था और अब ये विकसित होकर होमो इरेक्टस बन चुके थे। हमारे पूर्वज इस पृथ्वी पर मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे और पृथ्वी पर मौजूद सभी जानवरों से काफी ज्यादा होशियार थे। इन्होंने अपने मैसेज को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालना शुरू कर दी और इसी तरह निर्माण हुआ भाषा का, जिसके जरिए आज हम बात करते हैं। यह हम इंसानों का आखिरी विकास क्रम था, जिसके बाद विकास हुआ हमारा। यह समय था आज से लगभग 2 लाख साल पहले का, जब लाखों साल बाद हमारा अस्तित्व बना, यानी कि हम होमो सेपियंस बने, इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीव। हमारा मस्तिष्क पृथ्वी पर मौजूद सभी जानवरों की तुलना में सबसे ज्यादा बड़ा है और आज हम इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि डायनासोर का अंत किस तरह हुआ, हम मानवों की उत्पत्ति किस तरह से हुई। हमें अपने विकास क्रम की पूरी जानकारी है और आज के समय में हम इंसान काफी ज्यादा उन्नत भी हो चुके हैं। हमें अपने जीवन की उत्पत्ति से लेकर अपने ब्रह्मांड तक की पूरी जानकारी है और आने वाले समय में हो सकता है कि हमारे वंशज हमसे भी ज्यादा उन्नत हों। तो दोस्तों, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।